हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मेंस लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बहुत ही कंटेंशियस इशू है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है पिछले कुछ दिनों, और मेंस में आने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। बेसिकली ये एक ऐसा प्रपोज़ल है जो बताता है कि कॉमन सेट ऑफ गवर्निंग लॉ हो, मतलब कॉमन सेट ऑफ गवर्निंग लॉ हो सभी के लिए विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट देयर रिलीजन। मतलब हर इंसान के लिए, जो मतलब हर सिटीज़न है उसके लिए कॉमन सेट ऑफ गवर्निंग लॉ हो सिविल मैटर्स में विदाउट टेकिंग हिज और हर रिलीजन इन टू अकाउंट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? बेसिकली मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? जेंडर जस्टिस, क्योंकि हमने देखा जो पर्सनल लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हैं वुमेन के लिए। देखिए लॉज जो हैं वो जनरली ब्रॉडली दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। अब सिविल लॉ जो होता है वो एम्फेसिस करते हैं डिस्प्यूट जो फैमिली रिलेटेड हो, रेंट मैटर हो या आपका सेल से रिलेटेड हो, वो सिविल लॉ। और फैमिली इशूज में आपका जैसे मैरिज हो गया, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन, तो ये सारे मैटर हैं। क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और बहुत सारे रिलीजन हैं, तो हमारे क्या पर्सनल लॉज का प्रावधान है। पर्सनल लॉज मतलब हर रिलीजन का अपना अपना पर्सनल लॉ है जो उन्हें गवर्न करता है। और क्रिमिनल लॉज बेसिकली वो हो गए जो आपके क्राइम से रिलेटेड हों, ऐसे क्राइम जैसे थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस टाइप के। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 44 है, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, और ये आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर मतलब एक तरह से कंपल्शन है, टू सिक्योर ऑल सिटीजन आ यूनिफॉर्म सिविल कोड, टू सिक्योर ऑल सिटीजन आ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 44, अब क्योंकि ये DAPSP में क्यों लाना पड़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई, लेकिन एक कंसेंसस नहीं बन बना। देखिए जो राइट्स थे दो तरीके से क्लासीफाई हुए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स के दौरान। तो राइट्स दो तरीके से क्लासीफाई हुए, पहले वो जो थे जो इन्फोर्सिएबल, लीगली इन्फोर्सिएबल बने, और दूसरे नॉन इन्फोर्सिएबल। तो नॉन इन्फोर्सिएबल में इसे डाला गया जो आर्टिकल 44 था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया, लैक ऑफ कंसेंसस और लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज़ की? ये नहीं क्लियर हो पा रहा था कि जो पोटेंशियल UCC होगा, कुछ लोगों का मानना था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा वो पर्सनल लॉ के साथ कोएग्जिस्ट करेगा, पर्सनल लॉस के साथ कोएग्जिस्ट करेगा और ये इसे रिप्लेस नहीं करेगा। कुछ लोग को लगता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पर्सनल लॉ को टोटली रिप्लेस कर देगा, और कुछ लोग को ये लगता था कि जो है UCC जो है अगर ये आ जाएगा तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन को डिनाई करेगा, मतलब ये आर्टिकल 25 के ख़िलाफ़ हो जाएगा, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ होगा। देखिए अंग्रेज़ जब आए थे तो उन्होंने जो है पर्सनल लॉस हिंदूज के लिए द कोड ऑफ जेंटूज लॉस, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉस, ये सब किया था, क्योंकि 1857 के बाद वो रिलीजियस मैटर में ज़्यादा वो दखलंदाजी करना उन्होंने छोड़ दिया था, तब से पर्सनल लॉस चले आ रहे थे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कंसेंसस नहीं बन पाया। तो जो भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने बोला कि ये जो है डिज़ायरेबल है UCC, लेकिन अभी क्या है माहौल सही नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसे वॉलंटरी ही रख देते हैं, आगे फ्यूचर की गवर्नमेंट जब सही एटमॉस्फेयर होगा तब इसे इस कोड को लागू किया जाएगा। अब देखते हैं ये इतना न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पर जजमेंट दिया, इवन 1980s में शाहबानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, एग्जैक्टली 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला था कि आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अभी ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये टॉपिक इतना क्यों है? कुछ पार्टीज़ ने अपनी मैनिफेस्टो में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, है ना। इसके अलावा जो है जो वेमेन है, लेकिन लार्जली जो पर्सनल लॉ से अफेक्टेड हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है पर्सनल लॉ में वो वेमेन के खिलाफ होता है, तो वेमेन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाती हैं, स्पेशली माइनॉरिटी वेमेन है
और इसमें भी स्पेशली मुस्लिम वेमेन जो हैं जो कि एडवर्सली अफेक्ट हैं पर्सनल लॉ से, तो वो अपने राइट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाती हैं और कहती हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है वो वायलेट हो रहा है ना, चाहे वो तलाक़ बिद्दत हो, यानी कि जिसे इंस्टेंट तलाक बोलते हैं, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड कर दिया ट्रिपल तलाक को, तलाक के बिद्दत को, तभी से ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ गया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ये रास्ता तैयार हो रहा है। ये केवल मुस्लिम वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, इवन क्रिश्चियन वुमेन और पारसी वुमेन के लिए भी डिस्क्रिमिनेटरी है। अब देखिए क्रिश्चियन वुमेन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कैसे है। क्रिश्चियन वुमेन जो है एडल्टरी, एडल्टरी को लेकर के अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं ले सकती हैं। खैर अभी लास्ट ईयर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन एडल्ट्री जो है एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स हो सकता है। लेकिन क्रिश्चियन वुमेन जो है एडल्ट्री के बेसिस पे, क्रिश्चियन जो वुमेन है वो एडल्ट्री के बेसिस पे तलाक नहीं ले सकती। वो एडल्ट्री जो है वो एडल्ट्री, दैट एडल्ट्री शुड बी कपल्ड विथ, मतलब एडल्ट सिर्फ एडल्ट्री नहीं, एडल्ट्री के साथ साथ वो सोडोमी प्लस बेस्टियलिटी प्लस क्रुएलिटी, क्रुएलिटी बेस्टियलिटी और सोडोमी। देखिए देखिए सोडोमी का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स वाया एनस, और बेस्टियलिटी का मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनिमल, मतलब एनिमल के साथ। तो अगर क्रिश्चियन वुमेन का हस्बैंड जो है वो सोडोमी प्रैक्टिस कर रहा है और बेस्टियलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, और क्रुएलिटी का मतलब आपको पता ही है, ये तीनों चीज़ें कर रहा है, तभी वो डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है क्रिश्चियन वुमेन के लिए। लेकिन अगर क्रिश्चियन मैन की बात करें, वो सिंपली अपनी अगर वाइफ को एडल्ट्रस डिक्लेयर कर दे, डिक्लेयर करवा दे, तो वो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, तो ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी है। इसके अलावा जो है हिंदू मैरिज एक्ट और जो आपका पारसी या मुस्लिम, इनमें ये है कि अगर डिवोर्स का ग्राउंड जो है अगर वुमेन और हस्बैंड उसका 1 ईयर तक सेपरेट रह रहे हैं तो ये डिवोर्स का ग्राउंड है, लेकिन क्रिश्चियन वुमेन के लिए ये पीरियड जो है वो 2 ईयर है, तो ये यहाँ डिस्क्रिमिनेटरी है। अब देखते हैं पारसीज वुमेन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कैसे है। अगर कोई पारसी लड़की जो है, पारसी लड़की डॉटर जो है वो अगर किसी नॉन पारसी से शादी कर लेती है तो उसका सारा राइट जो है प्रॉपर्टी राइट ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई पारसी मैन है वो किसी नॉन पारसी वुमेन से शादी करता है तो इस वुमेन का केवल अधिकार जो होगा इस पारसी आदमी के केवल हाफ प्रॉपर्टी पे होगा, मतलब केवल आधी प्रॉपर्टी की वो मालिकाना हक होगी, पूरी प्रॉपर्टी की नहीं होगी। तो इस तरह ये पर्सनल लॉ पारसीज वुमेन के लिए भी डिस्क्रिमिनेटरी है। आइए अब देखते हैं इसके प्रोस क्या क्या हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो जस्टिस, इक्वालिटी और नेशनल इंटीग्रेशन इनको प्रमोट करता है। देखिए जस्टिस क्योंकि वुमेन के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो इससे जस्टिस प्रमोट करेगा, इक्वालिटी क्योंकि जो है ये जेंडर इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है इसलिए इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, और नेशनल इंटीग्रेशन जब यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज होंगे हर किसी के लिए विदाउट कंसिडरिंग हिज हर रिलीजन, तो ये एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ द वुमेन क्योंकि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगा। बेसिकली यूसीसी जो है वो सबके लिए इक्वल स्टेटस, इक्वल स्टेटस की बात करता है हर सिटीज़न के लिए, और ये जेंडर पैरिटी की बात करता है, तो इस तरह ये वेलफेयर ऑफ वुमेन प्रमोट करेगा। अब देखिए डिफरेंट पर्सनल लॉज होंगे डिफरेंट रिलीजन के लिए, ये एक तरह से हमारे सेकुलरिज्म के आइडिया को मतलब एक तरह से चैलेंज करता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये क्या हमारे जो सेकुलर क्रीडेंशियल को और मजबूत करेगा, इंडिया एज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमारा प्रीएम्बल में है, इंडिया एज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो जो है सीधा सीधा रियलाइज़ हो जाएगा। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो जो लीगल मैटर हैं जो कम्बरसम है काफ़ी पर्सनल लॉस के, उन्हें टैकल करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के एब्सेंस में ये होता है कि जो पर्सनल लॉज हैं उसके कई प्रोविज़न ऐसे होते हैं वहाँ पे जजेस जो है अपनी प्रेजुडिसेस से डिसीजन लेते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस हो मुस्लिम वुमेन के डिवोर्स के केस में, तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इंडिया का जो है जो कई सेकुलर लॉ हैं जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे जब दो दूसरे रिलीजन के लोग बीच में शादी होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है आपका 1954 का, वो हर वर्ग के आदमी को, हर रिलीजन के आदमी को ये एक्सेप्टेबल है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक्सेप्टेबल होगा। और जब हमारे देश के लिए सबके लिए कॉमन कॉमन जो हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉज हैं सबके लिए, तो कॉमन क्रिमिनल कोड है तो कॉमन सिविल कोड
होने में क्या परेशानी है, तो ये सारे इसके प्रोज हो जाएंगे। और ये सब मतलब कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए, ये इसके रीज़न में हम लोग मैंशन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या क्या कॉन्स हैं और मतलब क्या क्या डिफिकल्टी हैं कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड में। देखिए हमारा जो है बहुत डाइवर्स कल्चर है, हमारा कंट्री जो बहुत डाइवर्स कंट्री है, हमें ब्लाइंडली वेस्ट को कॉपी नहीं करना चाहिए। जो वेस्ट का आइडिया है सेकुलरिज्म का, जो वेस्ट का सेकुलरिज्म का आइडिया है, वो हमें ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए। वेस्ट के लिए जो है वो कंप्लीट सेपरेशन है रिलीजन में और स्टेट में, मतलब दोनों ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट हैं। और हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे यहाँ जो है आर्टिकल 25 स्टेट को ऑथोराइज़ करता है कि वो इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस मैटर में। तो वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपने सेकुलर क्रेडेंशियल दिखाने के लिए यूसीसी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे माइनॉरिटी जो है हमारे देश का, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, वो एज अ थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी समझते हैं। उन्हें लगता है कि यूसीसी आ जाएगा तो उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम होगी वो छिन जाएगी। वो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो सोचते हैं कि ये हिंदू सिविल कोड उनके ऊपर लागू कर दिया जाएगा, तो इस तरह से उनकी आइडेंटिटी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है उसे वो थ्रेट समझते हैं। और वैसे भी आज कल जो है हमारे यहाँ जैसे बीफ ईटिंग, मॉब लिंचिंग और काउ विजिलेंटिज्म जैसे इश्यूज हैं आजकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, तो माइनॉरिटी जो है वो स्पेशली मुस्लिम्स जो हैं वो अपने आप को वल्नरेबल कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो ये सही टाइम नहीं है यूसीसी लाने का। और एक परसेप्शन ये भी है मुस्लिम्स का कि जो है ये इंक्रोचमेंट है उनके रिलीजियस फ्रीडम को, उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो छिन रहा है। इस यूसीसी की जब बात चल रही थी तो कई जगह मुस्लिम लीडर्स ने, उलेमाओं ने रैलीज भी निकाली थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टाइम अभी सिटेबल नहीं है, दो यूसीसी डिज़ायरेबल लेकिन अभी टाइम सिटेबल नहीं है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके या वन नेशन वन लॉ लाया जा सके। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या होगा। आज देखिए हमारा देश जो है प्लूरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हमारी मॉडर्न इंडिया की आइडेंटिटी है। जो प्लूरल डेमोक्रेसी है वो मॉडर्न इंडिया की आइडेंटिटी है एक तरह से। तो हमें आवश्यकता है हारमनी की, जो प्लूरलिटी में हारमनी हो, ना कि हमें यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता है। आज हमें चाहिए हमारी प्लूरलिटी में हारमनी हो, तभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है लागू हो पाएगा। आज ज़रूरत है देश को सिलेक्टिव सेकुलरिज्म से जनरल सेकुलरिज्म की तरफ मूव करने का। हमारे यहाँ देखिए इलेक्शन सर पे रहते हैं तो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, या इसका प्रोपेगेंडा एक तरह से चलता है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है जेन्युइन सेकुलरिज्म की। और जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है जैसे बीफ ईटिंग की, आपका लव जिहाद की, काउ विजिलेंटलिज्म की, तो माइनॉरिटी में इस बात पर भी कंसेंसस नहीं है, वो अपने आप को वल्नरेबल फील करती हैं आज हमारे यहाँ की स्पेशली मुस्लिम कम्यूनिटी। तो हमें चाहिए उनमें जब तक कंसेंसस ना बन जाए और जब तक यूसीसी को माइनॉरिटी बैकिंग ना मिल जाए, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए। इवन लॉ कमीशन ने भी बोला है कि आप क्या है कोडिफिकेशन कर दीजिए पर्सनल लॉज का, और इसके अलावा जो वेरियस प्रैक्टिसेस हैं और कस्टम हैं उनका भी कोडिफिकेशन कर दीजिए, ऐसा लॉ कमीशन कहता है। देखिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, जब पर्सनल लॉज का और जो वेरियस प्रैक्टिसेस हैं और कस्टम्स हैं उनको कोडिफाई कर दिया जाएगा तो एक तरह से लॉ बन जाएंगे, और जब लॉ बन जाएंगे तो आर्टिकल 13 जो है ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है या ऐसा कस्टम है जो फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहा है किसी भी महिला का, तो वो आर्टिकल 13 के तहत जो है जुडिशियल रिव्यू में उसे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है। क्योंकि जब ये टर्म्स और ये प्रैक्टिसेज जो हैं कोडिफाई हो गए तो ये एक तरह से लॉ बन जाते हैं। हमें ज़रूरत है ट्रस्ट बिल्ड करने की कम्युनिटी में, और जैसे जो सोशल रिफॉर्मर हैं इस कम्युनिटी में, माइनॉरिटी कम्युनिटी में स्पेशली, तो ना कि रिलीजियस कंजर्वेटिव। हमें सोशल रिफॉर्मर्स के साथ मिल करके इस कॉमन कॉज के लिए वर्क करना चाहिए, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है स्टेजेस में और स्टेप वाइज आ सके। जैसे पहले मैरिजेस में आ जाए, है ना, फिर धीरे धीरे सक्सेशन के लॉज बने, फिर अडॉप्शन के लॉज बने, फिर डाइवोर्स के लॉज बने। तो मतलब स्टेप वाइज स्टेजेस में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। और जो सिविल कोड सिविल लॉ है गोवा में, है ना, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, जो कि पुर्तगीज सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1939 से रिलेटेड है। तो उसके आधार पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यह है कि ये कंसेंसस हो और कम्युनिटी की बैकिंग हो माइनॉरिटी की, तो सब मिल करके, मतलब उनके जो
एक तरह से उनमें ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो खुद ही डिमांड करे, माइनॉरिटी स्वयं डिमांड करे कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, तब ये काम अच्छे से हो सकता है। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।